कुत्ता 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 A few minutes later. अभी जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी आपने देखा, अगर ऐसा कभी आपकी कार के साथ भी हो और आपको अपनी कार भी रोड के किनारे पर ऐसे अगर पार्क करनी पड़ी तो आप क्या करोगे? उसके बाद गैरेज तक पहुंचाने के लिए आपको टोइंग सर्विस की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन क्या टो सर्विस वाला बंदा आपकी कार को सही तरीके से प्रोफेशनली पूरे नॉलेज के साथ हैंडल कर रहा है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? टोइंग सर्विस वाले पर्सन के साथ साथ आपको भी ये नॉलेज जरूर होना चाहिए कि टो करते वक्त आपकी गाड़ी में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए और टोइंग सर्विसेज के कितने कितने टाइप होते हैं और वो कैसे हैंडल किए जाते हैं। अगर सही जानकारी ना हो और टोइंग करने वाला अनप्रोफेशनल हुआ तो आपकी कार टोइंग करते समय डैमेज हो सकती है। तो आपको ऐसी कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आपकी कार टोइंग करते वक्त डैमेज ना हो और सही तरीके से गैरेज तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड गाइडेंस। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। टोइंग कैसे किया जाता है और किस किस तरह से किया जाता है, ये जानने से पहले आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी कार का ड्राइव सिस्टम कौन सा है, क्योंकि इंडिया में सारी ड्राइव सिस्टम वाली कार्स अवेलेबल है। जो कार आगे के व्हील से चलती है या इंजन का पावर जिसमें आगे के पहियों को मिलता है उसे कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम। जैसे कि मारुति बलेनो डिजायर ये वगैरह जो कार है ये फ्रंट ड्राइव सिस्टम वाली कार्स है। और जिस कार में पीछे के पहियों को पावर मिलता है, यानी कि इंजन का पावर पीछे के व्हील को जाता है और पीछे के व्हील की मदद से आपकी कार चलती है, उसको बोलते हैं रियर व्हील ड्राइव सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मारुति की इको और टोयोटा की इनोवा ऐसी कारें हैं। और कुछ कारें ऐसी होती हैं जो 4x4 सिस्टम या फिर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम वाली कार होती हैं, जिसमें इंजन के थ्रू चारों व्हील को पावर मिलती है और कार चारों व्हील के पावर के साथ रोड पे चलती है। फॉर एग्जाम्पल जीप कंपास तो आपको दिख ही रही है और महिंद्रा की थार भी ऐसी कार है। और ये सभी अलग अलग टाइप की ड्राइव सिस्टम वाली कार के लिए अलग अलग टाइप के टोइंग मेथड यूज होते हैं। सबसे पहला मेथड है रोप पुलिंग टाइप या केबल पुलिंग टाइप। इस मेथड में आपको रोप या केबल की मदद से अपनी कार को किसी दूसरी कार से खींचना पड़ता है, लेकिन ये मेथड यूज करते समय आपको एक बात खास तौर से ध्यान में रखनी है कि आपकी कार के चारों व्हील कहीं पर भी डैमेज नहीं होने चाहिए और फ्री तरीके से रोटेट होने चाहिए, तभी ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। इस मेथड को यूज करने के लिए कार की जैक किट में आपको एक बोल्ट मिलेगा, वो पुलिंग बोल्ट कनेक्ट करना है। ये पुल करके निकल जाएगा ये पोर्शन और यही पोर्शन पे आपका बोल्ट लग जाएगा और वो बोल्ट पर आप केबल लगा के या फिर कोई भी रोप लगा के दूसरी किसी कार की मदद से अपनी डैमेज कार को पुल कर सकते हैं। रोप पुलिंग मेथड ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सजेस्टेबल भी नहीं है और सेफ भी नहीं है। और एक बात तो आपको याद रखनी ही रखनी है कि रोप पुलिंग मेथड के वक्त आपके चारों व्हील अगर फ्री नहीं घूम रहे होंगे तो आपका इंजन या आपका गियर सिस्टम खराब हो सकता है। दूसरा मेथड है चेन ब्लॉक टोइंग, जिसमें एक चेन पुली के जरिए आपकी कार को उठाया जाता है और कोई भी दो व्हील कार के फ्रंट व्हील या रियर व्हील रोड पे रहते हैं। इस मेथड को यूज करते वक्त आपको ये बात ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि कोई भी आपके दो व्हील या फिर फ्रंट व्हील हो या रियर व्हील हो उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए और वो रोड पे फ्री तरीके से रोटेट होने चाहिए, तभी आपकी कार को आसानी से आप टो कर पाएंगे। चेन ब्लॉक टोइंग मेथड इसीलिए सजेस्टेबल नहीं है क्योंकि ये वैसे तो एक जुगाड़ वाली मेथड है। किसी भी बड़े ट्रक या टेम्पो के ऊपर वाले बार में चेन पुली लटका के ये मेथड को यूज किया जाता है, इसीलिए ज्यादातर ये सेफ और प्रोफेशनल मेथड नहीं है। अब खास ध्यान में रखने वाली बात, ये बात बेहद जरूरी है कि आप बिल्कुल एंश्योर करें कि चेन पुली को कनेक्ट करते वक्त उसकी चेन से आपका बम्पर डैमेज ना हो, क्योंकि जब भी चेन पुली को आप कनेक्ट करते हैं तो ज्यादातर कारों के बम्पर्स टोइंग के समय पर डैमेज होते हैं।
तीसरा मेथड है अंडरलिफ्ट ट्रॉली मेथड। इस मेथड में एक व्हीकल स्पेशली डिजाइन होता है जिसके ऊपर एक इक्विपमेंट माउंट होता है, जिस इक्विपमेंट के जरिए आपकी कार के जो भी व्हील डैमेज है उस व्हील्स को रोड के ऊपर लिफ्ट किया जाता है। अगर आपकी कार के आगे के पहिए डैमेज है तो आगे के पहिए को इक्विपमेंट के जरिए लिफ्ट किया जाता है, और अगर पीछे के पहिए डैमेज है तो पीछे के पहियों को उस इक्विपमेंट के जरिए लिफ्ट किया जाता है। ये मेथड हाईली प्रोफेशनल तो है, लेकिन इस मेथड को भी यूज करते वक्त एक बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी कार के आगे के व्हील डैमेज है तो पीछे के दो व्हील पूरी तरीके से फ्री रोटेटेबल होने चाहिए और वो रोड पर आसानी से घूम सकते हुए चाहिए। और अगर आपकी कार को पीछे से टो किया जाता है तो उस टाइम पर आपके आगे के व्हील फ्री रोटेट करते हुए होने चाहिए और वो आसानी से रोड पर घूमते हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी कार का इंजन सिस्टम या फिर गियर सिस्टम कुछ भी डैमेज हो सकता है। फोर्थ मेथड है डोली टोइंग मेथड। डोली एक स्पेशली डिजाइंड इक्विपमेंट है जिसमें केवल दो ही पहिए होते हैं, और इन दो पहिए वाली डोली को आप किसी भी कार के साथ अटैच करके अपनी डैमेज कार को टो कर सकते हो। लेकिन इस मेथड में भी आप कार को कौन सी साइड से लिफ्ट कर रहे हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो साइड आपकी रोड पे है उस साइड के दोनों व्हील फ्रीली रोटेट करते होने ही चाहिए। इन चारों मेथड में ये भी बात बेहद जरूरी है कि चाहे आपकी कार ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, आपका गेयरबॉक्स काम करता होना चाहिए, क्योंकि अगर गेयरबॉक्स डैमेज है तो आप अपनी कार को न्यूट्रल में नहीं कर पाएंगे, और अगर कार न्यूट्रल नहीं होंगी तो आपके व्हील्स फ्रीली रोटेट नहीं होंगे, और व्हील्स फ्रीली रोटेट नहीं होंगे तो ये चारों टोइंग मेथड आपके बिल्कुल किसी भी काम के नहीं है। लेकिन डरिए मत, अगर आपका गेयरबॉक्स भी डैमेज है तो हमारे पास एक और मेथड भी है। पांचवा मेथड है फ्लैट बेड टोइंग मेथड। ये मेथड कुछ पेशेंट को स्ट्रेचर में शिफ्ट करके एम्बुलेंस में डालने जैसा ही है। ये मेथड ज्यादातर 4x4 की सारी कारों के लिए यूज होता है, लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कि आपकी कार का गियर बॉक्स डैमेज है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। इस मेथड में चार छोटी छोटी डॉलीज होती है जो हाईजैकिंग के जरिए हर एक व्हील को लिफ्टिंग करती है और फिर उस डैमेज कार को किसी बड़े व्हीकल में उस डॉली के जरिए शिफ्ट किया जाता है। मान लीजिए ये मेरी जीप कंपास डैमेज हो गई और किसी ऐसी जगह पर डैमेज हुई है जहां पर फ्लैट बेड टोइंग मेथड अवेलेबल नहीं है, या फिर वहां के लोग मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर एक जुगाड़ है जिस जुगाड़ के जरिए आप फ्लैट बेड टोइंग मेथड की जगह कोई भी मेथड यूज करके अपनी कार को टो करवा सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली कार के नीचे घुस के अपने डिफरेंशिएटर को मूविंग शाफ्ट से रिमूव करना है, जिसके लिए केवल चार बोल्ट ही निकालने हैं। ऐसा करने से आपके पीछे के जो व्हील्स हैं वो फ्रीली रोड पे रोटेट हो पाएंगे और आप किसी भी मेथड का यूज करके अपनी कार को टो करवा पाएंगे। अगर आपको ये जानना है कि आपकी इंश्योरेंस में टोइंग सर्विसेज अवेलेबल है या टोइंग सर्विसेज का पार्ट आपके इंश्योरेंस में कवर्ड है या नहीं, तो उसके लिए RSA सर्विस आपके इंश्योरेंस में होना जरूरी है। RSA सर्विस का मतलब रोड साइड असिस्टेंट। ये सर्विस लेने से आपकी ये सारी झंझटें हैं जो वो इंश्योरेंस वाले देखेंगे, और आपकी कार को आसानी से ब्रेक डाउन के समय आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो आशा करते हैं टोइंग की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये जानकारी से आपको तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके किसी रिश्तेदार अगर ऐसी कोई मुसीबत में फंसे हुए हैं तो उनको भी ये जानकारी हो, तो वो अपनी कार को बिना किसी डैमेज के टो करवा पाएंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू नॉलेज एंड गाइडेंस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर आवर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।